हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं शलगम और पालक का साग, जिसके लिए मैंने हाफ के जी पालक ली है और हाफ के जी ही शलगम ली है। मैंने पालक को अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है मैंने। अब हम एक तरफ कुकर चढ़ाएंगे, उसमें पालक डालेंगे और ये जो शलगम कट किए थे हम वो भी इसमें डाल देंगे। आधा गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसको 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लेंगे। अब हम एक तरफ कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज के, उनको चॉप कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको बीच बीच में मिलाते रहिए ताकि जो कि हमारे प्याज है नीचे ना लगे। अब हम मैंने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसमें मिला दूँगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है और जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से भून गया है। ये मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर पक गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने नमक है जो पहले भी डाला है, इसलिए हम नमक का यूज़ थोड़ा ही करेंगे। 1 चम्मच हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये मैंने 1 चम्मच सब्जी मसाला लिया है और ये आधा छोटा चम्मच मैंने बड़ी इलायची और तेज़पत्ते का पाउडर डाला है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी और मिला के। अब एक तरफ हमने जो पालक और शलगम को बॉईल रखा था अब हम उसको ब्लेंड करेंगे। ये मैंने मक्की का आटा लिया है। अब मक्की का आटा हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमें आटे को थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना। ये देखिए हमारा जो शलगम और पालक का जो हमने साग रखा था वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और एक तरह हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है। अब जो हमने शलगम और पालक का साग ब्लेंड किया है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा जो साग है और मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ऐसे चलाते रहेंगे और इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। ये देखिए हमारा जो साग है अच्छे से पक चुका है, मसाला बीच में अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें मैंने ऊपर से 2 से 3 चम्मच घी डाला है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया हमारा साग बनकर। अब हम इसको एक बॉल में डाल लेंगे, साग को सर्व करेंगे बॉल में।
ये देखिए गाइस, हमारा जो साग है अच्छे से तैयार हो चुका है। ये गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।